नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। इंसान गुनाह करते हैं तो उनके लिए फैसला अदालतें करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर किसी जहरीले सर्प ने किसी व्यक्ति को काटा है तो सर्प दंश का पीड़ित व्यक्ति किस अदालत में जाकर गुहार लगावे। लेकिन इस मामले के लिए भी एक अदालत सदियों से अपना काम कर रही है और यह अदालत है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम लसूरिया परिहार में। जी हाँ, यहाँ सांपों की अदालत लगाकर पेशी की जाती है। ग्राम चंदेरी के किसान व समाजसेवी MS मेवाड़ा ने बताया कि ग्राम लसूरिया परिहार गांव में दीपावली के दूसरे दिन पड़वा के दिन श्री राम हनुमान मंदिर के सामने सांपों की अदालत लगाई जाती है और पेशी पर सांपों को बुलाया जाता है। जिस किसी व्यक्ति को धोखे से किसी सांप ने काट लिया हो, उस व्यक्ति को उसके परिवार के लोग यहाँ मंदिर पर लाते हैं और तब उसको झाड़ फूंक कर उसका जहर उतार दिया जाता है और उस व्यक्ति को एक बंधन बांध दिया जाता है। वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन उस बंधन को पुनः छोड़ने के लिए दीपावली के दूसरे दिन पीड़ित व्यक्ति को यहाँ आना पड़ता है, तब उस व्यक्ति का बंधन यही मंदिर पर खोला जाता है। उसके शरीर में काटने वाले सांप को बुलाया जाता है और उस सर्प से प्रश्न किया जाता है कि उसने उस व्यक्ति को क्यों काटा। साथ ही उससे वादा करवाया जाता है कि फिर इस तरह किसी भी व्यक्ति को वो नहीं काटेगा। यह अनोखी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में चली आ रही है। यहाँ इस दृश्य को देखने के लिए आसपास के गाँव के सैकड़ों लोग आते हैं। सीहोर जिले का लसूरिया परिहार गांव है और यहाँ आज दीपावली की पड़वा के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ राम मंदिर है और नाग देवता की पेशी होती है, सांपों की पेशी की जाती है, जिसमें जो यहाँ परीक्षा ली जाती है उससे बचन लिया जाता है कि किसी को परेशान नहीं किया जा। लसूरिया परिहार में हर साल दीपावली के पड़वा के दिन सांपों की परीक्षा होती है, सांपों की पेशी होती है, उस पेशी में नाग देवता को मनाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मैं लसूरिया परिहार में रहता हूँ और यहाँ पे सांपों की फेरी होती है, जैसे कि कोई सांप किसी को काट देता है तो उसके शरीर में आते हैं, बताते हैं क्यों काटा क्यों नहीं काटा, ये होता है।